अस्सलामुअलैकुम। हैदराबादी शादियों वाला फेमस रेड चिकन, जैसे ही आप इसे देखेंगे आपके मुंह में आ जाएगा पानी और दिल बोलेगा मोबाइल से ही एक पीस निकाल के खा लूँ। थोड़ा सा सब्र कर लें, इसे इफ्तार में बना के खाइए। बहुत आसान रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं, लेकिन इसे ज़रूर बनाइए। तो चलिए रेड चिकन बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी रेड चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो चिकन। चिकन के पीसेस मीडियम साइज में कट कर लें। अगर आपको एक किलो चिकन में रेसिपी बनानी है तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज कर रही हूँ डबल कर लें। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं, एक टीस्पून डाल रही हूँ। एक टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर एक टीस्पून, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर दो या तीन चुटकी काफी है, एक कटी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, तीन टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस, एक बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट यानी एक बड़ा टमाटर पीस के डालिए, ग्रीन चिली सॉस एक टेबलस्पून, रेड चिली सॉस एक टेबलस्पून, आधे नींबू का रस, तीन टीस्पून भर के दही डाल दें, लाल मिर्च पाउडर तीन टीस्पून डाल रही हूं। इसमें एक टीस्पून नॉर्मल है, दो टीस्पून कश्मीरी है, ये अच्छे रेड कलर के लिए है, तीन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पांच बादाम, पांच काजू, दो इलायची, इन तीनों को बारीक पेस्ट की तरह पीस ले थोड़ा पानी या दूध डाल के। बिना पानी डाले इस तरह से पाउडर की तरह भी आप पीस सकते हैं, या आपको मुश्किल हो रही है तो थोड़ा सा पानी भी डाल के पीस लें। अब हमें एक बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज फ्राई करना है, इसके लिए थोड़ा सा तेल गरम कर लें। ये प्याज का वजन 70 ग्राम यानी 70 ग्राम है। तेल अच्छे से गरम करिए, प्याज को हमें डीप फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तेल गरम हो चुका है, प्याज डाल दें, गोल्डन कलर आने तक ऐसे ही फ्राई करते जाइए हाई फ्लेम पे। प्याज का रंग देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इतना काफी है, आप निकाल दें वरना लाल बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। प्याज फ्राई करने के बाद इस तरह से एक प्लेट में स्प्रेड करके रख दें। इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद धीरे से क्रश कर लें, क्रश करके ही डालिए चिकन में। अब इसे चिकन में डाल दें, दो से तीन टेबलस्पून भर के इसमें तेल डाल दें। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, वही तेल का इस्तेमाल करें। आखिर में थोड़ा सा घी डाल दें एक टीस्पून। अब सभी इंग्रेडिएंट्स चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करिए। चिकन के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लिड बंद कर दें और इसे एक घंटे के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए। एक घंटे के लिए अच्छे से मैरिनेट करने के बाद अब इस वेजल को हाई फ्लेम पे रख दें और थोड़ा सा भूनिए तीन से चार मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम पे रख देते हैं, लिड बंद कर दें। इसे हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे चिकन कम्प्लीटली गलने तक। बीच बीच में थोड़ा सा चेक करते रहिए हर तीन से चार मिनट के बाद, वरना मसाले नीचे से जल सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिए, इन्हीं मसालों में चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा और इसे ऐसे ही गलना है तभी टेस्ट आएगा। चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, इसे गलने मुझे बस एक 8 से 10 मिनट ही लगे, बहुत ज्यादा ना गलाए वरना ये टूट जाएगा भूनते वक्त। इसे हमें अब थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, फ्लेम को मीडियम पे रख के भूनते जाइए ऐसे ही। थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दें। गर्मा गर्म बहुत ही मजेदार हैदराबादी रेड चिकन हमारा रेडी है। इसे नान के साथ खाइए, रोटी के साथ, फुलके के साथ, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। जाते जाते चैनल कुक विद फेम भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसे मज़ेदार रमज़ान रेसिपीज मैं लेके आती रहूँगी। बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए।